विदिशा जिले के लटेरी तहसील में एक युवक द्वारा नकली नोट बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला लटेरी मुरवास थाने के अंतर्गत ग्राम मोहब्बतपुर का है, जहां भूपेंद्र धाकड़ नामक युवक को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया है। ये मुरवास निवासी भूपेंद्र धाकड़ को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से करीब 95 नकली नोट 200 रुपए के बरामद किए गए थे। मौके पर ही जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये अपने घर में ही कलर प्रिंटर रखता है और सादे कागज पर जो है उसका कलर मतलब फोटोकॉपी करता है और नोटों को ये बाजार में एक 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 दो दो करके चलाता रहता है।